क्या कर रहा है? विज्ञान पढ़ रहा हूँ। इसको बंद कर, अब हम एक गणित की पहेली खेलते हैं। कौन सी पहेली? कॉपी तो निकाल। बोल। अब एक काम कर, कोई तीन अंक सोच और लिख, मुझे मत दिखा छुपा के, नहीं तो बोलेगा देख ली। लिख लिया। अब इन इन अंकों से बनने वाली दो अंकों वाली संख्या लिख। लिख लिया। अब इन सबको जोड़ लो। हुआ? कर रहा हूं। जोड़ दिया। अब जो फल आया है 22 से भाग दे। भाग दे दिया। पूरा पूरा भाग गया ना? अच्छा, अब एक काम करो, जो तीन अंक तुमने लिए थे ना, उन तीनों को जोड़ लो। जोड़ दिया। क्या दोनों संख्या एक ही है? हाँ, दोनों एक ही है। ये तुम्हें कैसे पता? कहीं तुमने मेरा लिखा हुआ देखा तो नहीं? इसमें देखना क्या, मैं तो कोई भी तीन अंकों से ये बता सकती हूँ। और ये सब आप भी कर सकते हैं, कोई भी एक से नौ तक की तीन संख्या लेकर आप भी ये गणित की पहेली खेल सकते हैं। करके देखें। कोई भी एक अंक की तीन संख्याएं चुनकर नेहा द्वारा बताई गई क्रिया करें। क्या आपको भी आलोक की तरह ही अंकों का जोड़ मिला? आइए समझें ऐसा क्यों है। चुने हुए तीन अंकों को हम ए, बी और सी कहें तो इनसे बनने वाली दो अंकों की संख्याएं होंगी ए बी, बी सी, ए सी, सी बी, सी ए और बी ए। इनके विस्तारित रूप होंगे ए बी बराबर 10 ए धन बी, बी सी बराबर 10 बी धन सी, ए सी बराबर 10 ए धन सी, सी बी बराबर 10 सी धन बी, सी ए बराबर 10 सी धन ए, बी ए बराबर 10 बी धन ए। इन सभी का जोड़ करने पर बराबर 10 ए धन बी धन 10 बी धन सी धन 10 ए धन सी धन 10 सी धन बी धन 10 सी धन ए धन 10 बी धन ए बराबर 22 ए धन 22 बी धन 22 सी बराबर 22 कोष्ठक में ए धन बी धन सी। यानी यह जोड़ 22 का गुणज है और जोड़ में 22 का भाग देने पर उत्तर अंकों का जोड़ यानी ए धन बी धन सी ही आता है। सोचें एवं चर्चा करें। एक, कोई भी दो अंकों की संख्या लीजिए। अब इसके अंकों का स्थान पलटकर एक नई संख्या प्राप्त कीजिए। दोनों संख्याओं को आपस में जोड़िए। अब इसका योग 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्या आप पता लगा सकते हैं यह कैसे हुआ? दो, एक तीन अंकों की संख्या सोचिए। अब इन अंकों को उल्टे क्रम में रखते हुए नई संख्या प्राप्त कीजिए। इनमें से प्राप्त छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से घटाइए। क्या यह संख्या 99 का गुणज है? क्यों?